विशाख पूर्णिमा जिसे हम त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, इस महापर्व पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। विशाख पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। त्रिविध पावनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण घटनाएं इसी पूर्णिमा के दिन यानी एक ही दिन घटित हुई थी। यूं तो संसार में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, बहुत सारे दार्शनिक पैदा हुए हैं, पर संसार में बुद्ध के अतिरिक्त ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं दिखता है जिसके जीवन की तीन महत्वपूर्ण घटनाएं एक ही दिन घटित हुई हों। वह केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही है। तथागत सम्यक संबुद्ध का बोधिसत्व के रूप में जन्म, तत्पश्चात बोध आज के बोधगया में जिसे प्राचीन काल में उर्वेला के नाम से जाना जाता था, वहां उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। तत्पश्चात वो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम से तथागत बुद्ध कहलाए। उसके बाद 45 वर्षों तक जन कल्याण के लिए, लोगों के हित और सुख के लिए, या यूं कहें भगवान बुद्ध ने कहा सर्व जन के हित सुख और कल्याण के लिए 45 वर्षों तक चार का करते हुए अंत में के साल वन में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, ये तीन घटनाएं तो उनके जीवन से संबंधित हैं ही, बुद्ध के इन घटनाओं के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं तथागत का जन्म राज परिवार में हुआ। राज परिवार का अर्थ होता है महलों का में निवास, और उनको संबोधि प्राप्त के बाद भी उनके तमाम शिष्यों ने, जिसमें बहुत सारे तत्कालीन राजा बड़े बड़े सेठ थे, उन लोगों ने तथागत सम्यक संबुद्ध के निवास के लिए बड़े बड़े विहारों का निर्माण कराया। जित वंशावस्ती की महिमा, उसकी विशालता आप लोग उसके खंडरों से उसका आभास कर सकते हैं। राजगिरी, सारनाथ, कौन सा वैशाली, केसरिया चलो बाद में बनाया गया, कौशाम्बी जहां घोषित नामक सेठ ने बड़ा सा बिहार बनाया जिसे घोषिताराम के नाम से जानते थे, जहां जहां तथागत सम्यक संबुद्ध ने वर्षावास किया, जहां जहां वो गए वहां वहां उनके शिष्यों ने उनके लिए बड़े बड़े बिहारों का निर्माण कराया। फिर भी तथागत के जीवन के तीन महत्वपूर्ण घटनाएं किसी महल, किसी बिहार या किसी बिल्डिंग के अंदर घटित नहीं हुई। वह खुले आसमान के नीचे, आप देख, आप पाली साहित्य के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि महामाया देवी जब कपिलवस्तु से अपने पैतृक निवास यानी नहर देवधार की ओर जा रही थी, तो रास्ते में ही लुम्बिनी नामक वन में उनको प्रसव वेदना होती है और वहीं सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। तत्पश्चात गृह त्याग के पश्चात जब तथागत सम्यक संबुद्ध 6 वर्ष से कठोर तप करते हैं, वो तपस्या पूर्ण करते हैं,
परंतु जिस क्षण उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त होती है तो खुले आसमान के नीचे एक वृक्ष के नीचे, और जो 45 वर्षों तक वह उपदेश करने के पश्चात जब महापंडवान को के लिए जाते हैं तो वो किसी बड़े बुद्ध विहार में नहीं, खुले आसमान के नीचे 2 साल वृक्षों के नीचे उनका महापरिनिर्वाण होता है। इन विभिन्न तथ्यों से ज्ञात होता है कि जो तथागत का धर्म दर्शन है वो नेचर से, पर्यावरण से बहुत ही उसका गहरा संबंध है। तो इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन घटित हुई, इसलिए इसको त्रिविध पावनी के नाम से हम जानते हैं।